तो चलिए हम आज के वीडियो में जानेंगे, अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, चाहे विकलांग पेंशन के लिए या विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या और क्या होती है, और कौन इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कुछ लोग के गवर्नमेंट जॉब होता है, क्या उन लोग के वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन मिलेगा कि नहीं, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो पहले हम जानते हैं क्या क्या लगेगा, सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कितनी धनराशि दी जाती है, उसके बाद केंद्र सरकार ओर से कितनी धनराशि दी जाती है, उसके बाद ये भी जानेंगे कि जो आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पीडीएफ है यहाँ पे वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए है, लेकिन इसके साथ ही हम विकलांग के लिए भी और विधवा पेंशन के लिए भी क्या युक्त है वो बताते रहेंगे। तो देखिए, आवेदक की कम से कम उसकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, अधिक कितना हुआ है चलेगा। ठीक है, उसके बाद आवेदक गरीबी रेखा से नीचे उसका जीवन यापन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर वार्षिक आय की अगर हम बात कर लें, तो वार्षिक आय उसकी अधिकतम, अगर आप जो आवेदक है उसका शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, मतलब शहर में नगर निगम में, तो उसकी वार्षिक आय 56,407 रुपये होनी चाहिए। अगर वही अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसकी वार्षिक आय 46,080 रुपये होनी चाहिए, अधिक से अधिक इतना होना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये लोग इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, अब देख लेते हैं कि केंद्र सरकार की ओर कितना रुपये मिलता है। तो देखिए, अगर जिसकी वर्ष जो आवेदक है उसकी अगर 60 वर्ष से 79 वर्ष तक है, तो ऐसे पात्रों को 1,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार 800 रुपये राज्य सरकार देता है और 200 रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। यही अगर है, अगर 80 वर्ष से अधिक है, तो इसमें केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपये और राज्य सरकार की ओर से भी 500 रुपये मिलता है, मतलब दोनों 500, मतलब मोटा तौर पर देखें तो दोनों लोग को 1,000 रुपये मतलब मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें फुल डिटेल वीडियो आएगा, लमसम 12 से 15 मिनट का होगा, और उसमें हम पूरा बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, एक एक स्टेप आपको, एक एक फॉर्म भर कर आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो वीडियो देख कर। ठीक है, क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, जो आवेदन करता है उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, जो भी आवेदन करता है उसके रंगीन साइज पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जन्मतिथि की प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये तो हो गया वृद्धावस्था के लिए। अगर विधवा के लिए है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए इसके साथ ही, प्लस अगर विकलांग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र उसके होना चाहिए, बाकी ये सब रहेगा प्लस उसमें ये जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बैंक का ब्यूरर होना चाहिए, जो भी बैंक में आपका खाता है उसका ब्यूरर, जैसे पासबुक, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और आधार उसमें जुड़ा होना जरूर चाहिए, मतलब आपके बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो दस्तावेज अपलोड करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो जो अगर आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी फोटो की साइज 20 KB होनी चाहिए, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसकी साइज 20 KB होनी चाहिए, और जो साइज अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में होना चाहिए, फोटो आपका फोटो में रहेगा पीएनजी में या जेपीजी में, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपका पीडीएफ में होना चाहिए, नियम है। ठीक है, इसे आप अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे वर्ष माह अप्रैल से जून में कराया जाता है, तो आप कभी भी अपलोड कर लीजिए, लेकिन उस बार अप्रैल से लेकर जून में आपका संशोधन किया जाएगा, जो पात्र है उसे सेलेक्ट किया जाएगा और जो अपात्र है उसको हटा दिया जाता है, तो आपको उसी समय आपका अप्रैल और मई में आपका शो करने लगेगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ई के दस्तावेज होना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करें तो अगला वीडियो आने वाला है, उस वीडियो से आप एक एक स्टेप ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।